विनोद, हमने बयान तो सुन लिए हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन अब हालात क्या बने हुए हैं? देखिए विपनेश, महाराष्ट्र की मैं अगर बात करूं तो पिछले 3 दिनों में 4 घटनाएं हो चुकी है। सबसे पहली घटना जलगांव में हुई थी, जहां एक धर्म के प्रार्थना स्थल के बाहर डीजे बज रहा था और एकाएक दोनों गुट आमने सामने हो गई और उसके बाद वहां पर बड़ी मारपीट हो गई, उसमें भी कुछ लोग घायल हो गए। दूसरा बुलढाणा में वाकया हुआ, एक प्रार्थना स्थल के बाहर कुछ लोगों ने आकर नारेबाजी की, इस नारेबाजी के बाद वहां पर मारपीट हुई, पथराव हुआ, 7 लोग घायल हो गए। और देखिए औरंगाबाद, जिसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है, वहां पर रामनवमी के एक दिन पहले राम मंदिर के बाहर ही कुछ लोग आमने सामने आ जाते हैं, नारेबाजी होती है, मारपीट होती है, फिर पथराव किया जाता है, पुलिस की गाड़ियां जलाई जाती है। आपको पता है कि संभाजी नगर में कुल 17 गाड़ी को वहां पर आग के हवाले कर दिया। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस के ऊपर भी यहां पर पथराव करने की कोशिश होती है, पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ती है। ये घटनाएं लगातार बढ़ी। कल के अभी वाकया ले लीजिए, कल रामनवमी का त्यौहार था, देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा था, कुछ जगह रामनवमी पे जुलूस पर पथराव हुआ, वैसा ही वाकया यहाँ पर मलाड़ में। अब मैं देखिए मलाड़ पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर कल यहाँ से गुजरते वक्त एक जुलूस निकल रहा था, तब जुलूस पर आरोप है कि जो जुलूस जिन्होंने निकाला था कि पहले जुलूस पर वहाँ पर पथराव किया गया, चप्पलें बोतलें फेंकी गई और उसके बाद हंगामा हुआ, लेकिन वहाँ पर पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पर फिलहाल अभी 20 लोगों की धरपकड़ की है और 300 लोगों पर FIR दर्ज की है, नामजद लोगों पर, उनकी भी तलाश यहाँ पर चल रही है। देखिए ये लगातार वाकये हो रहे हैं, 4 जगह पर ये वाकये हो चुके हैं, लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं माहौल और खराब कर रही है। शिवसेना के जो नेता है उद्धव ठाकरे, शिवसेना के संजय राउत, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये डुप्लीकेट शिवसेना का काम है। देखिए संजय राउत हमेशा आरोप लगाते हैं लेकिन सबूत नहीं पेश करते। उधर छत्रपति संभाजी नगर में चंद्रकांत खैरे, वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर आरोप लगाते हैं। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजी टाले, माहौल खराब ना करे, सबूत हो तो सामने आए। तो ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और ये घटनाएं हैं, 4 घटनाएं हो चुकी हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के मुकाबले ये जो सामाजिक सद्भावना है वो बरकरार रखने की हमेशा कोशिश होती है, लेकिन ये गंभीर कह सकते ये स्थिति है कि पिछले 3 दिनों में 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और पुलिस यहाँ पर अब एक्शन मोड में है। और आज पता ही है, आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज का दिन है, तो महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं, उस इलाके में पुलिस अलर्ट है। मुमरा हो या फिर मालेगांव हो या फिर अन्य जो इलाके हैं मुंबई के, वहाँ पर भी पुलिस अलर्ट हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोची समझी राजनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा यहाँ के नेताओं का भी और लोगों का भी कहना है। जी सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है, राजनेता तो एक दूसरे के लिए ऐसा ही कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।